प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और रिसाइकलिंग की हो उचित व्यवस्था। सीएस मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रदेश के 15 वर्ष से पुराने वाहनों को लेकर बनाई गई स्क्रैप नीति की पालना करते हुए स्क्रैप व प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण और रिसाइकलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने व्यस्त तथा बैटरी चालित वाहनों की पुरानी बैटरियों का भी वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कचरा बीनने वालों के साथ कार्यशाला आयोजित कर उन्हें कचरे को अलग अलग एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव उषा शर्मा सोमवार को शासन सचिवालय में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक के मुख्य सचिव के निर्देश दिए गए चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्क्रैप नीति की पालना करते हुए 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियों की स्क्रैप, पुरानी बैटरियां व टायर इत्यादि का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक कचरे को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि घर घर जाकर इसका संग्रहण किया जाए तथा रिसाइकलिंग और नॉन रिसाइकलिंग किए जाने योग्य कचरे को अलग अलग एकत्रित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गैर पूर्ण चक्रीय कचरे को संग्रह सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव ने बायो वेस्ट तथा अन्य प्रकार के कचरे की उचित रिसाइकलिंग के निर्देश दिए। बैठक में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत व अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे।